दोस्तों सब्सक्राइब करिए करेंसी एंड कॉइन कलेक्शन यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप हमारी वीडियोस देख सकें सबसे पहले। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में ये देखिए टू कॉइन्स के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों पहला कॉइन है दादा भाई नवराव जी का और दूसरा कॉइन देखिए दूसरा कॉइन जो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर कॉइन है। तो चलिए पहले कॉइन की बात कर लेते हैं हम। तो दोस्तों ये दादा भाई नवराव जी का कॉइन है, थोड़े ख़राब कंडीशन में है। देखिए पे सामने उनका चित्र बना है और ये देखिए 1825 से 1917 तक ये उनका उनका जीवन काल है। और इधर देखिए हिंदी में भारत और रुपये लिखा है, इधर इंग्लिश में रुपीज़ और इंडिया लिखा है। और ये देखिए अशोक स्तंभ और सत्यम जो है थे उसके नीचे 5 रुपीज़ का 5 मार्क बना है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके टाइप। दोस्तों ये कमेमोरेटिव कॉइन है, दादा भाई नवराव जी की याद में ये कॉइन बनाया गया। यार 1825 से 1917 का कॉइन है दोस्तों ये, 2010 में बनाया गया। और वैल्यू दोस्तों इसकी वैल्यू की अगर बात करें तो दोस्तों इसकी वैल्यू अच्छी मिल जाती है अगर आपके पास। वैसे इसकी वैल्यू कंडीशन से नहीं करती। क्या हुआ दोस्तों कि ये 30 साल पहले तो अभी चल ही रहे थे ये दोस्तों कॉइन, पर चल तो अभी भी रहे हैं, पर लोगों ने अब इसको कलेक्ट करना चालू कर दिया। अब ये दिखाई नॉर्मल कम पड़ते हैं दोस्तों, दिखाई नहीं देते अभी मार्केट में। तो अब दोस्तों इसकी वैल्यू 10 से 50 रुपये आपको मिल जाएगी। अब ये दोस्तों नीट पर भी है, कलेक्टर को अगर ज़रूरत है उसके कलेक्शन में नहीं है तो वो आपको 100 रुपये से 200 रुपये भी इसकी वैल्यू दे सकता है। अब ये दोस्तों नीट पर है, अगर उसको ज़रूरत है उस कॉइन की है, उसके पास नहीं उसका इस कॉइन है तो वो इसकी वैल्यू देगा। और अगर दोस्तों उसका पहले से ही है तो वो 20 से 50 रुपये से ज़्यादा नहीं देगा दोस्तों। और इसके मेटल की बात करें तो वो कॉपर निकल और वेट 9 ग्राम, डायमीटर 23 मिलीमीटर और शेप राउंड है। और दोस्तों आप बताएं हमारे सेकेंड कॉइन पर, तो ये देख सकते हैं दोस्तों ये है सेकेंड कॉइन हमारा। फोकस नहीं आ रही है दोस्तों, तो दोस्तों ये कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का कॉइन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कॉइन है दोस्तों। ये देखिए ये दिखाई नहीं दे रहा, काम करता हूँ दोस्तों मैं इसको, इस पे रख देता हूँ शायद फोकस आ जाए। ऐसा होता है कई बार दोस्तों, फोकस नहीं आता। तो ये देखिए दोस्तों अब फोकस आ चुका है, हाँ हम इसको उठा लेते हैं। तो दोस्तों ये कॉइन हैगा और इसका शेप जो है वो राउंड है, थिकनेस 1.9 मिलीमीटर, डायमीटर 23 मिलीमीटर, वेट 6 ग्राम, सॉरी दोस्तों इसका वेट 9 ग्राम है। निकल इसका ब्रास, निकल ब्रास मेटल है इसका। और यार ये देखिए 1860 से देखिए दोस्तों ये 2010 तक का कॉइन है दोस्तों, ये इसकी ईयर है। और पीछे से देख लेते हैं दोस्तों अब, तो ये देखिए लेफ्ट साइड पर भारत हिंदी में और राइट साइड पे इंडिया इंग्लिश में लिखा है। और ये देखिए नीचे सत्यमेव जयते और उसके नीचे 5 रुपये का सिंबल बना है दोस्तों। और अब दोस्तों बात करते हैं, ये कमेमोरेटिव कॉइन है, 2010 में जारी किए गए थे। और अब इसके वैल्यू की दोस्तों बात करते हैं अगर, तो दोस्तों आपके पास हैदराबाद, नोएडा, मुंबई, कोलकाता कोई सा भी मिंट में है तो आपको उसमें एक्स्ट्रा वेरीफाइड कंडीशन में दोस्तों 10 रुपये से 15 रुपये मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आपके पास एक्स्ट्रा 5 और UNC कंडीशन है तो आपको उसके उसके 20 से 25 रुपये। और अगर और ज़्यादा मतलब बायर को अगर ज़रूरत है और आपके पास एक ही कॉइन है उसके पास कलेक्शन में नहीं है तो वो आपको 30 से 50 रुपये भी इस कॉइन की वैल्यू दे सकता है। और दोस्तों कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो ये दो कॉइन मैंने दिखा दिए दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।